हाय डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 क्या है? वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या है? वर्क पावर एंड एनर्जी है। और वर्क पावर एनर्जी में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं? मेन टॉपिक क्या है? वर्क है, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी इन एक्सप्रेशन है, इट्स एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी है और इसका एक्सप्रेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पावर है और यूनिट ऑफ एनर्जी है। इतना सारा टॉपिक हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और इन टॉपिक में एक एक पॉइंट को हम आराम से, इजीली से, आराम स्लोली स्लोली हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि ये वर्क क्या है, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, एनर्जी है क्या, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो किस किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसके यूनिट क्या हैं, उसके जो फॉर्मूले हैं उसको डिराइव कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे देंगे, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, और उसके एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उससे रिलेटेड पॉइंट पावर देखेंगे, फिर बाद में यूनिट ऑफ एनर्जी देखेंगे। तो ये वन बाय वन आराम से हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। कि देखिए, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, लेकिन अगर आप आराम से स्लोली स्लोली एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको ईजिली हर एक पॉइंट समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। अब वर्क क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्क है क्या, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो वर्क है क्या वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्क क्या है? तो वर्क इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्टिंग अपन ए ऑब्जेक्ट टू कॉज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब सपोज डैट अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे कोई ये सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये एफ मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया, तो उसका ये डिस्टेंस, ये जो इसका डिस्टेंस है वो एस, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो इसका डिस्टेंस एस है। तो वर्क डन क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्स अप्लाई किया और इसका जितना डिस्प्लेसमेंट हो, उसी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। उसी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इट मीन्स जो कोई बॉडी पे फोर्स जितना अप्लाई किया गया और वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, कितना मतलब अपने प्लेस से कितना चेंज हुई, वो और प्लस ये फोर्स जो अप्लाई हुआ, उनके प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है? वर्क बोला जाता है। यानी को क्या बोला जाता है? वर्क। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी है कि एफ इंटू एस, आगे सेकंड डेफिनेशन भी लिखा है कि इट इज़ एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस है, ठीक है, एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। और एक और यूनिट होता है, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर भी होता है और जूल भी होता है। अब वन जूल को अगर डिफाइन करना हो तो एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ वन न्यूटन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वन मीटर, देन वर्क डन इज अमाउंट इज वन जूल। तो ये इस तरह से वन जूल का डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर द वर्क डन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन। और देखिए, ये वर्क पावर और एनर्जी वाला जो चैप्टर है, ये शायद आगे जाके 11th या 12th में भी आता है, वर्क पावर एनर्जी। और आप अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो अप्लाइड मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट अगर फेस करते हो तो उसमें भी हमारे चैनल पे जाके आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने वर्क पावर एनर्जी के वीडियो अपलोड किए हैं। 6 या 7 चैप्टर हैं अप्लाइड मैकेनिक्स से, तो वहाँ पर भी मैंने ये चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क इज डन। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? डन होगा। व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन पॉजिटिव टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव। मतलब क्या बोला है कि व्हेन बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क इज डन। लेकिन क्या बोला है कि व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा।
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री होगा, तब क्या होगा उनके बीच का जो है फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड एट एंगल लेस देन 180 डिग्री देन व्हेन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ये याद रखना ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देके एक और मैं फिर से फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि सपोज डैट ये ऑब्जेक्ट था ठीक है, और इस पर सपोज डैट ये देखिए इस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है, इस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी यहाँ पर आई, तो देखिए हॉरिजेंटल फोर्स जो लग रहा है वही कंसिडर करते हैं। तो ये हॉरिजेंटल फोर्स दो कंपोनेंट में करेंगे तो एक वर्टिकल बनेगा एक हॉरिजेंटल बनेगा, तो ये हॉरिजेंटल वाला एफ एस कॉस थीटा एफ कॉस थीटा होता है और ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ एस, तो इन्हीं के प्रोडक्ट को बोला जाता है वर्क डन, तो एफ इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन वर्क डन इज जीरो, तो अगर जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा जीरो होगा, ये भी पॉइंट में ध्यान में रखना कि उसका वर्क डन क्या होगा जीरो होगा। फिर आगे नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी डन, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि टू कंडीशन नीड टू सेटिस्फाई फॉर वर्क टू बी डन, तो पहला क्या है फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स हमेशा क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्प्लेस हो सके हैं ठीक है, तो ये उसके लिए दो कंडीशंस हैं जो वर्क डन के लिए जरूरी हैं नेसेसरी हैं। फिर आगे देख लेते हैं एनर्जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मतलब द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ये भी जूल होती है, वर्क का भी एनर्जी वर्क का भी जो यूनिट होता है जूल होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है जूल ही होता है। अब 1 किलो जूल इक्वल टू क्या होता है 1000 जूल होता है, 1 kg जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है, भी ध्यान में रखिएगा। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किस किस फॉर्म्स में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स में होते हैं ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है हीट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है लाइट एनर्जी होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं। कौन कौन से एनर्जी हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और लाइट एनर्जी है, ये सभी इस इतने फॉर्म में एनर्जी होती है। अब होता क्या है कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकती है, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी का ध्यान में रखना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके बारे में भी हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या बताती है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब उसके मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टन वेलोसिटी वर्क डन ऑन इट टू मेक इट रिक्वायर एक्वायर दैट वेलोसिटी। डेरिवेशन क्या होगा, उसका डेरिवेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे मैं उसके डेरिवेशन फाइंड आउट करके बताऊंगा, और इसका पहले तो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए कि फार्मूला क्या है, इसके मैं फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ और ये मुझे डिराइव करके ले आना है। काइनेटिक एनर्जी को मैं के से इंडिकेट करता हूँ और वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है, वी वेलोसिटी है ध्यान रहे ना, वी वेलोसिटी है, एम मास है
और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये याद रखना, इसी को मुझे डिराइव करके लाना है, ठीक है, डिराइव इसी को करना है। तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा डिराइव करने के लिए, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हम क्या करने स्टार्ट करें, एंड अटेंड्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, आफ्टर ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट, लेट ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑब्जेक्ट इज टू बी डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस एस। तो वर्क डन देखिए, वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एफ एस होगा, ये आपको पता ही है। लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू एस, तो एस इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए, और ये वैल्यू जो एस की है, ये एस की वैल्यू है, और फोर्स इज गिवन एफ इक्वल टू एम ए, ये भी आपको पता है। ये दोनों को हमने क्या पुट कर दिया, वर्क डन में पुट कर दिया, ये जो पहला इक्वेशन था उसमें ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखिए वर्क डन क्या आ गया, एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए आ गया, ये आपको मिल गया, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी, क्योंकि इसकी क्या हो गई, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट से हमने मोशन में ले आए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जीरो अगर इनिशियल वेलोसिटी कर देते हैं तो क्या आ गया, एम ए इंटू वी स्क्वायर अपन टू ए आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्क डन इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये कैसे आया, यू स्क्वायर को अगर जीरो करते हैं तो ए ए कैंसल, हाफ एम बी स्क्वायर ही बच जाते हैं, और वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही क्या होता है वर्क डन। बात करें अगर मैं कि वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट वही क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ई डब्ल्यू इक्वल टू ई के, तो ई के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है। ई के को सिर्फ के से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, कुछ भी जो भी इंडिकेट करने के लिए बोलता है उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है, आगे चल के डेरिवेशन कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो द एनर्जी पोजिस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन शेप इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो अपने पोजिशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी पोजिस्ड होती है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजिस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और शेप इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल वाटर स्टोर इन अ डैम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट एबो द ग्राउंड, एंड द स्क्रेच रबर बैंड पोजिस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स डिस्टॉर्टेड शेप, ये इसके पोटेंशियल एनर्जी हैं। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एवर द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उसकी पोजिशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी पोजिस्ट होती है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप, अगर उसको शेप को चेंज कर देते हैं उसके कारण जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो पोजिस्ट करती है, जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है। और बाकी के जो वीडियो हैं एक्सप्रेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप रेगुलर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।